हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीतू खत्री फ्रॉम हितकारिणी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। हम भारतीय जिनकी ज़िंदगी अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, भारतीय माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, बच्चों के मौखिक स्वास्थ्य से ही उनका शारीरिक स्वास्थ्य जुड़ा होता है। बच्चों के मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है। बच्चों के मौखिक स्वास्थ्य के लिए कुछ लोगों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि माता पिता, शिक्षक और बाल रोग चिकित्सक। ऐसा संशोधनों से पता चला है कि जागरूकता कम होने के कारण कई गलत धारणाएं भी फैली हुई हैं, जैसे कि बच्चों के दांतों का इलाज करवाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वह गिरने वाले होते हैं। पर क्या आप जानते हैं, बच्चों के दूध के दांत अगर समय से पहले गिर जाते हैं तो उनके नीचे जो पक्के दांत आते हैं वह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बच्चों के दांतों का स्पेशलिस्ट यानी कि जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होता है वह कई सारे इलाज कर सकता है उनके सड़न के हिसाब से। अगर सड़न छोटी है तो उसे हम नॉर्मल फिलिंग से ठीक कर सकते हैं, पर अगर सड़न दांतों की नस तक पहुंच चुकी है तो उसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। अगर बच्चों के दांतों में कीड़े लगने के बहुत चांसेस हैं तो उसे हम फ्लोराइड एप्लीकेशन से ठीक कर सकते हैं। बच्चों के दांतों का चेकअप हर 6 मंथ्स में करवाना बहुत ज़रूरी है। चेकअप करवाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे ओरल हाइजीन भी मेंटेन रहता है। बच्चे का पहला डेंटल चेकअप 6 मंथ में यानी जब बच्चे का पहला दांत आता है तब करवाना चाहिए। बच्चों की मुस्कान माँ बाप के लिए एक अमूल्य रत्न है, उसे संभाल कर रखिए। थैंक यू। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।